हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद मैच नंबर 52। और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही हम दोनों टीमों का कंपैरिजन भी करेंगे और जानेंगे मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी डेली अपडेट्स मिलती रहें। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये मैच होने वाला है शारजा के स्टेडियम में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं, एक मैच जीती है तो वहीं एक मैच हार चुकी है। अगर दोस्तों पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे अभी मौजूद है और वहीं हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पे अभी मौजूद है। दोस्तों दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के काफी ज्यादा चांसेस है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, वहीं सनराइजर हैदराबाद के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। तो हैदराबाद के लिए ये मैच डू या डाई मैच होने वाला है। हैदराबाद की टीम दोस्तों अपना पिछला मैच खेल के आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जहां हैदराबाद की टीम ने शानदार पारी खेली, 219 रन विशाल स्कोर बनाया और दिल्ली कैपिटल्स को दी बहुत ही बड़ी हार। वहीं गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपना पिछला मैच खेल के आ रही है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जो कि अब क्वालिफाई हो चुकी है, और उस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिली थी हार। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद का पहले जो मैच हुआ था वहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत मिली थी 10 रन से। तो गाइस पहले जो उनका मैच हुआ था वहां आरसीबी की टीम ने हराया था हैदराबाद की टीम को। गाइस अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ये मैच जीती है तो आरसीबी की टीम हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई, वहीं अगर हैदराबाद की टीम ये मैच जीती है तो हैदराबाद की टीम को बड़े अंतर से प्लस आगे के मैचेस भी और जीते होंगे, जब जाके इनका चांस बनेगा प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, और पहले हम बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो गाइस ओपनिंग करने आने वाले हैं कप्तान डेविड वॉर्नर, दूसरे नंबर पे विद्यमान साहा, नंबर 3 मनीष पांडे, नंबर 4 दोस्तों यहाँ केन विलियम्स और जॉनी बेस्टो में से कोई एक खेलेगा। जॉनी बेस्टो ने दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था आरसीबी के खिलाफ लास्ट मैच में, तो जॉनी बेस्टो को ज्यादा चांसेस है खेलने के। नंबर 5 पे आएंगे प्रियम गर्ग या विजय शंकर। नंबर 6 पे आपको दिखेंगे अब्दुल समात। नंबर 7 जेसन होल्डर। नंबर 8 पे दिखेंगे राशिद खान। नंबर 9 पे दिखेंगे संदीप शर्मा। नंबर 10 टी नटराजन और नंबर 11 पे आपको दिखने वाले हैं शाबाज नदीम। तो गाइस ये प्लेइंग 11 होने वाली है सनराइजर हैदराबाद की, जो खेलेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ शारजा के स्टेडियम में। अगर हम बात करें दोस्तों आरसीबी के प्लेइंग 11 की, कुछ इस प्रकार यहाँ होने वाली है आरसीबी के प्लेइंग 11। ओपनिंग करने आएंगे देवदत्त पादिकल, नंबर 2 जोशुआ फिलिपे, नंबर 3 कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पे आपको दिखेंगे शिवम दुबे, नंबर 6 गुरकीरत मान सिंह, नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पे आपको दिखेंगे क्रिस मॉरिस, नंबर 9 पे दिखेंगे आपको डेल स्टेन की जगह इसरु उड़ाना, नंबर 10 यजविंदर चहल और नंबर 11 पे अगर नवदीप सैनी अवेलेबल होते हैं तो सैनी खेलेंगे, वरना दोस्तों मोहम्मद सिराज को एक और मौका दिया जाएगा। और गाइस गुरकीरत मान सिंह आपको ऊपर भी दिख सकते हैं, ये दोस्तों सिचुएशन में डिपेंड होगा। अगर यहाँ पावर हिटिंग की जरूरत होगी तो शिवम दुबे गुरकीरत मान सिंह से पहले प्रमोट किए जाएंगे, और अगर कहीं आरसीबी की टीम लड़खड़ाती है तो गुरकीरत मान सिंह को पहले प्रमोट किया जाएगा। यानी कि गाइस सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहेगा आरसीबी की टीम का। आरसीबी की टीम दोस्तों बदलाव करने वाली है, डेल स्टेन को तो यहाँ पे 101% मौका नहीं मिलने वाला, इसरू उड़ाना उनकी जगह खेलेंगे, और नवदीप सैनी हम दुआ करेंगे कि नवदीप सैनी इंजरी से ठीक हो चुके हों और इस मैच में खेले, क्योंकि गाइस इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है आरसीबी की टीम को। नवदीप सैनी अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो मोहम्मद सिराज को आप देखेंगे बॉलिंग कराते हुए, उमेश यादव को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन मोहम्मद सिराज उनसे बेहतर बॉलर है अब तक आईपीएल 2020 में, तो मोहम्मद सिराज के ज्यादा चांसेस है। तो ये थी दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें मैच प्रेडिक्शन की तो ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस सनराइजर हैदराबाद की टीम अब काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, काफी बढ़िया फॉर्म में चल रही है, और आरसीबी की टीम भी बढ़िया फॉर्म में तो चल रही है लेकिन मैचेस नहीं जीत पा रही, लास्ट 2 में से 2 मैच हारी है आरसीबी की टीम। शारजा जैसे ग्राउंड में दोस्तों जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करेगी, और मेरे हिसाब से वही टीम जीतने वाली है इस मैच को भी। अगर गाइस हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो यहाँ आरसीबी की टीम सनराइजर हैदराबाद की टीम से काफी आगे है। अगर आरसीबी की टीम संभल के इस मैच को
को खेलती है। जैसे हमने पिछले मैच में देखा काफ़ी कोलैप्स हो आरसीबी की टीम का, अगर उस तरीके का कोलैप्स इस मैच में ना हुआ तो आरसीबी की टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीत सकती है। अगर गैस आरसीबी की टीम को ये मैच जीतना है तो राशिद खान को बहुत ही ज़्यादा संभल के खेलना होगा। लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए, 4 ओवर में 7 रन देखे और काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं राशिद खान, और इनको अगर संभल के खेल लिया आरसीबी की टीम तो काफ़ी आसानी बन जाएगी आरसीबी की टीम के लिए। वीडियो को दोस्तों अब एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों आप प्लेइंग 11 के ऊपर भी अपना कमेंट ज़रूर देना, और गाइस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस अब अगली वीडियो में।